Hey everyone, कैसे हो आप सब लोग? Thank you so much for clicking this video. आज हम बनाएंगे टमाटो सूप. मैं after long time आप सभी के सामने आया हूँ with the winter recipe. बहुत ज़्यादा ठंड है. चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं टमाटो सूप. बहुत इजी बन जाता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाता है. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं. थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है. मैं अभी अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कंटेंट अपलोड करने की. तो चलिए लेट्स बिगिन विद द रेसिपी. हमको सबसे पहले लगेंगे 6 से 7 टमाटर. ये स्मॉल साइज टमाटोज थे तो मैंने 7 छोटे टमाटर लिए हैं. नमक स्वाद अनुसार. और यहाँ पे ये है अपना नॉर्मल ब्लैक पेपर पाउडर. ये छोटे प्याज थे, बहुत महंगा यार प्याज, तो छोटे प्याज लिए हैं मैंने 3. उनको स्लाइस कर लिया है. एक बीटरूट लिया है, बहुत अच्छा कलर आता है इससे. 2 गाजर लिए जो बहुत छोटी थी. अराउंड 10 ग्राम्स या 2 या 3 टीस्पून के अराउंड आप बटर ले सकते हो. शुगर लिया मैंने काफ़ी थोड़ा सा. यहाँ पे मेरे पास है जिंजर गार्लिक और एक ही चिली. गार्लिक के मैंने 4 से 5 किलो लिए. रेस्ट हमको सिर्फ पानी की नीड लगेगी जब भी हम इसको प्रोसीड करेंगे. तो चलिए जल्दी से बनाना इसे शुरू करते हैं हम. सो यहाँ मेरे पास एक प्रेशर कुकर है. प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले अपना बटर डाल देंगे. बटर को मेल्ट नहीं होने देंगे, हम वेट नहीं करेंगे उसको मेल्ट होने का. इंस्टेंटली हम उसमें अनियन भी डाल देंगे पूरा. और हम इसको सॉटे करेंगे. जिंजर गार्लिक और चिली ये मैंने पूरा पूरा लिया है बिकॉज हमको इसको वैसे ही ब्लेंड करना है. तो अब हम इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे. आई होप यू ऑल कैन सी. हाँ, अब मैंने लाइट लगा दिया है, अब बहुत अच्छे से दिख रहा है. बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है अनियन फ्राई होने की और बटर की. सो आप देख सकते हैं गार्लिक में थोड़ी बहुत चिट्टी आ चुकी है रेड कलर की. उसी टाइम पे हम अपनी वेजीज भी डाल देंगे. बहुत इंस्टेंटली बन जाता है और बहुत इजीली बन जाता है. सो अब आप देख सकते हैं इसमें कलर आना शुरू हो गया है. मैंने अपना कैरेट डाल दिया इसमें, बीटरूट भी डाल दिया. अब हम इनको हल्का हल्का सॉटे कर लेंगे, एकदम हल्के से सॉटे कर लेंगे. अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए बस सॉटे करेंगे हम इसको. सो अराउंड 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और मिर्च ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है. सो अब हम इसमें टोमेटोज डाल देंगे. अच्छे लाल टमाटर लेंगे सूप के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा. अब हम इसको मिक्स करेंगे. फ्लेम हाई है एकदम और मैंने टमाटोज को एकदम स्लाइसेस में काटा है. अब हम इसको एकदम सॉफ्ट होने देंगे. थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें पानी डाल देंगे. सो फ्रेंड्स अब ये पकने लगा है, जैसे टमाटो की स्किन है वो बाहर निकलने लगी है. अब हम इसमें क्या करेंगे कि अराउंड 300 to 400 ml हम इसमें पानी डाल देंगे. ये पानी डाल रहा हूँ मैं इसमें. तो इतना सा पानी डाल दिया है मैंने इसमें जो कि अराउंड 400 ml है. अगर आपको नीड लगे तो आप पानी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं. मैं इसमें अराउंड 100 ml के पानी और ऐड कर रहा हूं. अब एक हल्का सा मिक्स दे देंगे हम इन सबको और इसको हम 3 से 4 विसल्स तक के बॉईल करेंगे. मतलब 3 से 4 विसल्स आ जाते हैं. सो हम इसको 4 विसल्स देंगे. अब हो रहा है और तब तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. सबसे पहले अनाउंसमेंट, मैं बहुत ही जल्द व्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने, मैंने देखा नहीं कि कोई स्टूडेंट ने अपना व्लॉग बनाया है. सो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पहले और आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरी लाइट जाती है. सेकेंड थिंग, आप इसको ब्लेंड कैसे करें. अभी सूप है तो उसको ब्लेंड करना ही है. कोई कोई सूप को क्लियर सूप को ब्लेंड करने की नीड नहीं पड़ती हमको. जैसे सो स्टिक ब्लेंडर्स आते हैं, सूप ब्लेंडर्स भी इसको बोलते हैं.
नॉर्मल हमारे किचन में रहता है, आप अगर पेशेंस आप पे बिल्कुल नहीं है, यू कैन इमर्स इट इनटू द सूप, आप इसको डुबा के ब्लेंड कर सकते हैं इजीली, या ब्लेंडर्स के साथ ऐसे कप्स आते हैं इसमें से स्ट्रेन भी हो जाता है और आपको इजीली अगर गरम गरम ब्लेंड करना है तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ये मेरे न्यूट्री ब्लेंड के साथ है जिसमें छन्नी है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। नॉर्मल अभी मेरे को ऐसे दिखाना है कि जो हम सब यूज कर रहे हैं, मेरे पास ये ब्लेंडर है, आप स्टील का यूज कर सकते हैं, ग्लास का ब्लेंडर है, मैं ग्लास ब्लेंडर में ब्लेंड करूंगा इसको। सो हम इसको 3 से 4 सीटी आने देंगे, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे फटाफट। सो अब हमारा वेट खत्म हुआ फ्रेंड्स, इसका आखिरी विसल आ चुका है, अब हम इसको एकदम ठंडा होने देंगे, एकदम ठंडा नहीं होने देंगे, इसका प्रेशर निकलने देंगे और मैं आपको उसके बाद आपको अगर जल्दी से बनाना है, आपके पास सूप ब्लेंडर नहीं है, आप इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं उसके बाद वो बताऊंगा। इसका सिर्फ प्रेशर निकलने देंगे आप, क्योंकि वो प्रेशर में पकता है, इसके अंदर जो हीट है उसके अंदर वो पकता है। सो अराउंड 10 से 15 मिनट हो गए फ्रेंड्स, और अब हम इसका देखते हैं प्रेशर निकला है कि नहीं, ऑलमोस्ट पूरा निकल चुका है। सो अब हम इसको डीप्रेशराइज कर देंगे, इतना तो आप निकाल सकते हैं, इतना निकलने के बाद ये हमारा सूप का अब भारत है। सो अब हम इसको इंस्टेंटली कैसे ठंडा करें, आप दो चीजें कर सकते हो, कुकर को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल दो आइस बाथ में नीचे, और अब हम इसको इंस्टेंटली ब्लेंड कैसे कर पाएंगे, एक स्ट्रेनर ले लेंगे एक बोल के ऊपर, और इसके ऊपर हमें पूरा सूप का डाल देंगे। अब देख सकते हैं कितना सारा धुआं निकल रहा है इससे। सो प्लीज कभी भी इतना गर्म मिक्सर में मत पीसिएगा, क्योंकि अगर आप इतना गर्म पीसते हो तो आपके मिक्सर का ढक्कन खुलने के और मिक्सर के भी डिस्ट्रॉय होने के बहुत चांसेस हैं। सो इसको ठंडा होने दीजिए प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर लिया है, ब्लेंडर जिसको हम बोल सकते हैं, ग्लास का है, तो आप क्या करें, हमेशा सूप का पानी अलग कर दें, जो भी पानी आप उसको बाद में यूज करें, लेकिन जब भी आप ब्लेंड करें आप इसको अलग कर दें पानी से, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और ये इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है कि इसकी वजह से ये भी गर्म रह जाता है। सो हम जल्दी इसको क्विकली ब्लेंडर में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया और ये लूक वार्म है एकदम, मतलब इसमें धुआं निकल रहा है, और इसमें मैं हल्का सा पानी डाल दूंगा ताकि ये ब्लेंड हो पाए इजीली, एकदम थोड़ा सा पानी डाला है, और हम इसको जल्दी से ब्लेंड कर लेंगे एक फन टेस्ट में। सो फ्रेंड्स, अब जो है ये ठंडा हो चुका है कम्प्लीटली, अब हम इसको ब्लेंडर पे ब्लेंड कर लेंगे। तो अब ये ब्लेंड भी हो चुका है इजीली। सो फ्रेंड्स, अब मैंने वही छन्नी ली है और इस सूप को मैं स्ट्रेन कर लूंगा उस छन्नी के ऊपर, आप देख सकते हो इसमें से अब तक धुआं निकल रहा है, आप गेस कर सकते हैं कि वो कितना गर्म है अब तक। सो इसलिए कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है इसे, अब हम इसको स्ट्रेन कर देंगे। सो हमारा सूप छन चुका है, एंड दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, बस इतना सा ही रेसिड्यू निकला, क्योंकि हमारा पेस्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका था। सो अब हम आप क्या कर सकते हो कि यू कैन सर्व दिस एज इट इज, जैसा ये है, या आप इसको एक और बॉयल दिलवा सकते हो, मैं प्रेफर करूँगा बॉयल दिलवाना क्योंकि मैंने अब तक इसको सीजन नहीं किया। सो मैं उसी सेम प्रेशर कुकर में इसको डाल दूंगा, मेरा प्रेशर कुकर, और इसको मैं सेम प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। आप देख सकते हो ये नेचुरली थिक बना है, ना मैंने इसमें कोई आलू डाला था ना कुछ। सो इसमें मैं अब शुगर डाल दूंगा, क्योंकि शुगर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो शुगर, काली मिर्च पाउडर और सॉल्ट तो जाता ही है, आप कलर देख सकते हैं सूप का कितना अच्छा आया है। अब हम इसको एक हल्का सा बॉयल दिलवा देंगे गैस स्टोव के ऊपर, बट पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। कलर देखिए कितना अच्छा आया, रेड, ब्राइट रेड, ये सब बीट रूट की वजह से। सो अब हम इसको एक हल्का बॉयल दिलवा देंगे, एक ही बॉयल दिलवाएंगे, काफी लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है, प्लीज आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो अब हम इसको एक बॉयल दिलवा देंगे, तब तक हम इसका सर्विंग और प्लेटिंग का तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं, अब हम इसको बंद करके एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे जल्दी से। सो यहाँ पे सर्विंग बोल है मेरे पास, और मैं इसमें भी इसको पोर कर दूंगा। आप देख सकते हैं नेचुरली थिक बना है, ना मैंने इसमें कोई आलू डाला ना कॉर्नफ्लावर। सो हम इसको सर्व करके इसको डेकोरेट करेंगे,
आई नो ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया टमाटो सूप के लिए, बट इट्स वर्थ इट। सो हम इसको डेकोरेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास पाइपिंग बैग में अमूल फ्रेश क्रीम है। अब हम इससे यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेकोरेट करेंगे। अब करते हैं एक जादुई चीज, एक टूथपिक ले लेंगे, हल्के हाथों से इसको ऐसे कर देंगे। आप देख सकते हो एक सिंपल सी डिश को कितना अच्छा लुक और इफेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट आप इसको एक कोरिएंडर लीव से डेकोरेट करके सर्व कर सकते हो, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही। सो आई डोंट नीड टू से लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोग 700 लोगों को मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सेकेंडली आप व्यूज दे देते हो लेकिन लाइक कर दिया करो प्लीज इस वीडियो को, अगर 20 लाइक्स भी मिल जाएंगे ना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरा सो लॉन्ग वीडियो। थैंक यू सो मच, डू वॉच अगेन, मेरी नेक्स्ट रेसिपी भी बहुत अच्छी होगी आई गेस। सो लेट्स, मेरे को आप सिर्फ 20 लाइक्स दो, छोटा सा टारगेट है, प्लीज कंप्लीट करो 20 लाइक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।